वुमेन एम्पावरमेंट के लिए वुमेन्स बिल, जो 33% महिलाओं को जैसे पंचायत में, अर्बन लोकल बॉडीज में रिजर्वेशन है, असेंबलीज और पार्लियामेंट में भी महिलाओं को 33% का रिजर्वेशन दिया जाएगा सीटों का। ये दूसरी कमिटमेंट। तीसरी कमिटमेंट उन्होंने अभी तक जो देश के सामने रखी वो है कि गवर्नमेंट जॉब में जो भी है स्टेट सेंटर की जो नौकरियां निकलेंगी उसमें महिलाओं के लिए 33% जॉब्स भी रिजर्व किए जाएंगे ताकि हमारी बहनें भी आगे बढ़े। चौथा जिसको लेकर मैं इस वक्त आपको गुजारिश कर रहा हूँ, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने मिनिमम इनकम गारंटी प्रोग्राम देश के सामने रखा। बड़े सवालात उठे, क्या होगा, कैसे होगा, किनको होगा, वो भी अभी दो दिन पहले आपके सामने डिफाइन हुआ कि कांग्रेस पार्टी वादा करती है, ये कमिटमेंट है, ये जुमला नहीं होगा, कि अगर कांग्रेस पार्टी पावर में आती है तो जो देश के परिवार जिनको कोई आमदनी नहीं है, जिनको हम बीपीएल कहते हैं या जिनको हम लो इनकम ग्रुप कहते हैं, 6,000 से बढ़कर 12,000 की आमदनी के उसमें जुमरे में आते हैं, उन सारे परिवारों को कांग्रेस पार्टी जीतने के बाद सालाना 72,000 रुपए उस परिवार के महिला जो उस परिवार की मतलब औरत है जो हेड है उस महिला के अकाउंट में वो 72,000 रुपए एक मुश्त, जो एवरेज 6,000 रुपए पर मंथ उसको माना जाएगा, ताकि वो गरीब से गरीब खानदान अपने बच्चे को सरकारी स्कूल तक की सुविधा दे सके, ताकि वो परिवार कोई छोटी मोटी बीमारी लगती है तो सरकारी अस्पताल में इलाज कर सके और अपना चूल्हा चला सके। जब तक वो परिवार कोई ठीक ठाक आमदनी में नहीं आता है तब तक लगातार उसको कांग्रेस पार्टी 6,000 रुपये महीना और 72,000 रुपये यकमुश उसके अकाउंट में डालेगी ताकि वो अपना परिवार चला सके। ये दुनिया में अभी तक की किसी जमहूरियत में डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र किसी परिवार को आज तक नहीं हुआ है, जो राहुल गांधी जी ने पूरे देश के लिए कहा। इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, आज की सरकारों की तरह ये उसके लिए होगा तो उसके लिए नहीं होगा, ये तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जो भी इस जुमरे में आते हैं उनको ऑटोमेटिक ये पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र जाएगा। और इस स्कीम से जो अभी तक का अनुमान है, जो अभी तक का एक अंदाज़ा है, उसके मुताबिक ये देश के 5 करोड़ फैमिलीज को ये बेनिफिट जाएगा। 5 गांधी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो इसके लिए राहुल गांधी जी ने पिछले सालों से देश के तमाम इकोनॉमिस्ट एक्सपर्ट जिन्होंने देश चलाने का काम किया है, जिनके पास सारे सर्वेज मौजूद है, उन सारे एक्सपर्ट्स का एक हाई लेवल टीम बिठाया, ये लोगों तक पहुंचा का कहीं पर होता है ना, जैसे आप देश में देख रहे हो, हमें तो सफ़ेद को काला बना लेते हैं मीडिया वाले, जो लिमिटेड है के सामने दिखाया। अगर आप मुझे कैमरा के सामने श्यामलाल शर्मा को दिखाएंगे, कल शाम की न्यूज़ में दिखाएंगे, मुझे सवाल कर लेना, मुझे आप गलत प्रूव कर लेना। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा था कि फ्रेंडली अलायंस, उमर साहब ने कहा कि फ्रेंडली अलायंस रियासत में होता ही नहीं है।